दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। पहले 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खोल दी जाएंगी, स्कूल खोल दिए जाएंगे। बच्चों के स्कूल आने के लिए उनके अभिभावकों की मंजूरी भी अनिवार्य होगी। विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए हालांकि बाध्य नहीं किया जाएगा, उनके सामने ऑनलाइन क्लासेस का भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। देखिए, थर्ड वेव के डर के बीच दिल्ली में बैक टू स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के खुलेंगे स्कूल। दिल्ली में तेजी से कम हो रहे कोरोना के केस। कोरोना महामारी के चलते करीब 2 साल से देश के अधिकतर राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद चल रहे थे। अब जैसे जैसे कोरोना संक्रमण का खतरा घटा है, कई राज्य स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। 1 सितंबर से दिल्ली में स्कूलों को कोविड गाइडलाइन के साथ खोलने की तैयारी है। क्लासरूम में अधिकतम 50% स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा। फिलहाल कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खुलेंगे। सरकार सीनियर क्लासेस को लेकर मिलने वाले फीडबैक के आधार पर पहले मिडिल और फिर प्राइमरी प्री प्राइमरी बच्चों के स्कूल खोलने के बारे में फैसला लेगी, तभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। प्लान किया है टीचर्स के साथ में कि मैं 3 sections 9th के और 3 class 10th के बुलाऊंगी, ताकि वही सेम टीचर्स पूरे दिन उनको पढ़ाते रहे। 4 घंटे का टाइम दिया हमने, बीच में हमने उनका ब्रेक दिया है, और मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के आने में क्योंकि एक ही गेट है तो हमने 1 घंटे का गैप बीच में रखा है, तो 8:15 से पहला पीरियड हमारा लग जाएगा। और मोस्टली 1-1 घंटे का पीरियड है, और बीच में हमने 20 मिनट का अलग अलग क्लासेस को अलग अलग लंच ब्रेक दिया है, ताकि ये बच्चे क्योंकि इतने दिन बाद में मिलेंगे तो स्वाभाविक से ये अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगे ही खाना खाने के लिए, तो पर उन सेक्शन जिसमें इनके फ्रेंड्स हैं उन वाले सेक्शन का अलग से टाइम दिया गया लंच का, लंच ब्रेक का, ताकि ये उनसे जाके वहाँ पे मिल ना सके। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने शिक्षण संस्थानों को खोले जाने को लेकर कड़ी शर्तों के साथ SOP जारी की है। अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले पेरेंट्स को कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका स्कूल में रहने पर पालन करना जरूरी होगा। स्कूलों को क्या ध्यान में रखना होगा? अधिकतम 50% स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा। स्कूल कॉलेज परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज करके रखना होगा। थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, मास्क की भी व्यवस्था रखनी होगी। स्कूल टीचर्स और स्टाफ का वैक्सीनेशन सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पेरेंट्स की इजाजत के बाद ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। बच्चों के लंच के लिए ओपन एरिया का प्रयोग किया जाए। स्कूल बस और वैन के स्टाफ का वैक्सीनेशन जरूरी। हर स्कूल शिक्षण संस्थान में क्वारंटीन रूम बनाए जाएं। ऑफलाइन के साथ साथ सभी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। सभी स्टूडेंट्स, टीचर, कर्मचारी मास्क पहने होने चाहिए। वहीं कोरोना महामारी के बीच स्कूल खोलने को लेकर कई बच्चों के माता पिता घबराए हुए हैं। उन्होंने बच्चों के संक्रमित होने का डर सता रहा है, क्योंकि सीरो सर्वे से साफ हो गया है कि बच्चों में भी लगभग बड़ों के जितना ही संक्रमण हो रहा है, लेकिन बच्चों में सीवियरिटी कम है। और फिलहाल दिल्ली में ये महामारी नियंत्रण में दिख रही है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इन बातों पर रखें खास ध्यान। स्कूल बैग में सैनिटाइजर रखें, एक अतिरिक्त मास्क भी साथ लेकर जाएं। घर से निकलते समय मास्क जरूर लगाएं। बच्चों को मास्क पहनने का सही तरीका बताएं। मास्क इस तरह पहने जिससे मुंह और नाक दोनों कवर हों। बच्चों को जागरूक करें कि घर से बाहर बेवजह चीजों को छूने से बचें। अगर किसी चीज को छूते हैं तो तुरंत हाथ सैनिटाइज करें। बस में भी बाकी बच्चों से दूरी बनाकर रखें। स्कूल के गेट और गैलरी में रखी चीजों को ना छुएं। स्कूल में दूसरों की सीट पर ना जाएं। स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ चीजें शेयर ना करें। लैब और गेम्स के दौरान भी दूरी बनाकर रखें। फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम, बास्केटबॉल जैसे गेम ना खेलें।
बच्चों को फीवर या कोविड के अन्य लक्षण हैं तो उन्हें स्कूल न भेजें। डॉक्टरों का कहना है कि माता पिता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वे बच्चों में अच्छी आदत डालें, उन्हें कोविड बिहेवियर के पालन के लिए जागरूक करें और इसका सख्ती से पालन निश्चित करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।